यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज एक टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से चाहूंगा यार आप वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो पर लाइक है मैं पूरे के पूरे 5000 लाइक्स का। और अगर आप सभी लोग मुझसे बातचीत यहाँ पर करना चाहते हैं तो फटाफट डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है दोस्तों यहाँ पर डिस्कॉर्ड का। ठीक है, फटाफट आ जाओ जो जो मुझसे यहाँ पर बातचीत करना चाहता है। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं मैं आपका कमेंट वीडियो के अंदर पढ़ूँ तो फटाफट जाकर कमेंट वगैरह भी कर दीजिए। ठीक है, एंड गाइस फिलहाल आपको पिछले एपिसोड में यार पता ही होगा यहाँ पर कितने तगड़े तगड़े सीन तुम्हारे भाई के साथ यहाँ पर हो गए थे अंडरवाटर माफिया को, प्लस उसकी दुकान पर दोस्तों यहाँ पर जो लड़की काम करती है ना उसको यहाँ पर दोस्तों डगन बॉस ने अगवा कर लिया है। और अभी ये नहीं पता कि डगन बॉस उसको लेकर कहाँ गया है दोस्तों अंडरवाटर माफिया को, भाई साहब कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और मैं ना यहाँ पर अभी फ़िलहाल उसके घर पर ही मैंने डगन बॉस का बेसिकली जो सबसे बड़ा मेंशन है ना लॉस सैंटोस के अंदर मैंने वहाँ पर दोस्तों नज़र रख रखी है, बट मेरे को कोई भी यहाँ पर जो है नज़र नहीं आ रहा है। देखो कोई भी मेरे को दूर दूर तक दोस्तों यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं नज़र आ रहा दूर दूर तक। मैं दूरबीन से दोस्तों देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब भाई माइकल द इल्यूमिनेटी भाई साहब, हमने अपनी अमांडा को एक सुरक्षित प्लेस पर यहाँ पर आपको रख दिया था, आपको याद ही होगा हमने अमांडा को दोस्तों कहाँ पर जो है रखा था। ठीक है, उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। और दोस्तों यहाँ पर जो जिमी है वो फ्रैंकलिन के साथ है एक सुरक्षित प्लेस पर, ठीक है, जहाँ पर एल रूबियो वगैरह भी है दोस्तों। और ट्रेसी भाई यहाँ पर लिबर्टी सिटी में है। तो गाइस यार मैं ना यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार मेरे को तो भाई कुछ भी यहाँ पर सबूत के तौर पर तो देखो भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है, लिटरली सबूत के तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं है, चाहे जितने उससे तरीके से देख लो। एक काम कर सकता हूँ अगर मैं इधर से टप जाऊँ तो, ये चीज़ हो भी सकती है, फिर भी ये चीज़ फिर भी मैं कर सकता हूँ, टपना पड़ेगा। दीवारें भी तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, दीवारें भी तो बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ की। अरे यार नहीं जा सकता दोस्तों, सीन तो यही है ना यार, नहीं जा सकता, दिक्कत तो यही है, वरना तो गाइस मैं कब का घुस गया होता। और मेरे को ना यार कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिल पाया, कोई भी सही पक्का सबूत जो हो ना इसके डगन बॉस के ख़िलाफ़ वो दोस्तों नहीं मिल पाया है, और ना ही भाई उसके बाद मुझे डगन बॉस मिला। यार गाइस क्या करूं, मेरी कुछ फ़िलहाल दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर हैकर गर्ल को बोलकर उसका फ़ोन भी दोस्तों यहाँ पर ट्रेस वगैरह करवाया, बट कोई भी लोकेशंस वगैरह कुछ नहीं मिल रही है दोस्तों, कुछ नहीं मिल रहा है। एक काम मैं कर सकता हूँ गाइस, यार मतलब कि ये जो लोग हैं ना भाई डगन वगन बॉस जो है भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं यार। इसके घर के मैं आसपास देख तो रहा हूँ बट गाइस कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी लिटरली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कुछ भी। इसने भाई जो रेलवे स्टेशन है ना उस तक को यहाँ पर गायब करवा रखा है, ये क्या चीज़ है फिर भी। ये देखो रेलवे स्टेशन यहाँ पर एक हुआ करता था, वो तक नहीं है भाई, जब से इसका डगन बॉस का इतना तगड़ा है महल बना है ना भाई साहब यहाँ पर, तब से भाई यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे गाड़ी तो रोक दो, कोई अपने लिए तो भाई गाड़ी भी नहीं रोकता। चलो हम हमर में ही चलते हैं फिलहाल तो, चलो भाई इस साइड दो गाड़ी से। और दोस्तों मैं चोरी की गाड़ी इसलिए चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ियों में इधर आ नहीं रहा गाइस, क्योंकि भाई डगन बॉस की नज़रें हो सकती हैं। मैंने कल भाई इसके घर को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, और हो जाने के बाद पुलिस वुलिस भाई तुम्हारे भाई के यहाँ पर पीछे पड़ गई थी, तुम्हें याद ही होगा कल मैंने उर्स से दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा तगड़ा बुरा हाल कर दिया था। और तभी से यार यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा मतलब उसमें आ चुका है, फॉर्म में आ गया डगन मॉस, और भाई साहब अब इसने यहाँ पर ठान लिया है कि मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ठीक है,
तो इनसे तो भाई देखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ पंथी की बातें हैं, ठीक है। इस टाइम चलो सबसे पहले मेरी जो यहाँ पर मदद कर सकती है ना वो हैकर गर्ल कर सकती है इस टाइम मेरी मदद, ठीक है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास चलता हूँ यहाँ पर हैकर गर्ल के पास। अरे रुको 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 रुको, यहाँ पर इसका एक रेस्टोरेंट भी तो होता था ना डगन बॉस का, उस दिन फाइट के बाद से ना ये रेस्टोरेंट दोस्तों बंद हो गया था। एक मिनट, उसके बेसमेंट में जाकर देख लेता हूँ कहीं वहाँ पर तो नहीं रख रखा इसने। देखो ज़रा पहले आराम आराम से मेरे को चलना होगा, यहाँ पर कोई है तो नहीं। वैसे कोई नहीं होगा दोस्तों यार यहाँ पर, ये वाला रेस्टोरेंट ना उस दिन जब फाइट नहीं हुई थी यहाँ पर इतनी ख़तरनाक, तब से वाला रेस्टोरेंट बंद हो गया था। नहीं नहीं नहीं, औरतें तो बैठी हैं अंदर, लेडीज़ वगैरह होंगी, बट मैं नॉर्मली जाऊँगा। सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है दोस्तों, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक भी सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं। हाँ भाई भीड़ लगी हुई यहाँ पर, ज़्यादातर लेडीज ही वगैरह आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं गाइस हम। जो ओनर है वो तो है ही नहीं, और मेन बात ये है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना तो मुझे नहीं लगता कि डगन बॉस के मतलब इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर नीचे हो सकता है कुछ ना। यहाँ पर दोस्तों लेस्टर की बॉडी पड़ी थी, लेस्टर नहीं था वो, फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन, मुझे लगा था यहाँ पर लेस्टर होगा। ये भाई कुछ अलग ही चक्कर लग रहा है मेरे को, यहाँ पर तो एक औरत बैठी हुई है और ये भी दिमाग से मेरे को थोड़ी सी पागल सी लग रही है, और उसका पैरों से खून भी निकल रहा है दोस्तों औरत के, भाई साहब इस औरत के पैरों से खून भी निकल रहा है। बट भाई मैं फालतू की ऐसी पंगेबाजी कुछ नहीं करना चाहता, एक काम करता हूँ इधर देख लेता थोड़ा, इधर कुछ है क्या? यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस ये भाई ड्रग्स वगैरह का काम तो देखो भाई यार डगन बॉस खुला ही करता है, और ये नोट छापने के लिए ही होगा पक्का, ये जो सामान है और गन्स वगैरह भी हैं, ये तो भाई डगन बॉस के बिजनेस में ना ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है ना दोस्तों सब आम है, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं रखता दोस्तों इन सब चीज़ों का, ठीक है। चलिए एग्जिट हो जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर आने का, कुछ भी फ़ायदा। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं इस रेस्टोरेंट से दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, बट यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ भी लिटरली कुछ नहीं मिला, मेरे को लगा था मिलेगा ही बट नहीं, कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस रेस्टोरेंट से भी, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिला, और अभी ना मेरे को सबसे पहले हैकर गर्ल के पास ही चलता हूँ, और उसी से दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मुझे करवाना होगा, ठीक है ना, वही कुछ ना कुछ कर सकती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उसके बिना यार मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर कुछ हैक वुक करके दोस्तों बताएगी कि वो सब लोग कहाँ हैं, कहाँ नहीं, क्या हुआ, क्या सीन नहीं हुआ, समझ रहे हो तुम। चलिए चलते हैं दोस्तों फिलहाल हम हैकर गर्ल के पास ही, उसके बाद जाकर ही आगे मिलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आराम से सबसे पहले हम उसके पास पहुंचते हैं। राइट गाइस, तो मतलब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट लोकेशन थी ना अंडर वाटर माफिया की, वो दोस्तों आपको याद होगा एक बार मैं गया था जो जहाँ पर मेरा घर है ना, जहाँ पर दोस्तों फ्रैंकलिन का घर है, उसके ऊपर जाकर ना एक वहाँ पर शो वगैरह होता है, कुछ डीजे कॉन्सर्ट वगैरह दोस्तों वहाँ पर किए जाते हैं, उसके नीचे एक बंकर बनाया हुआ था, उस बंकर के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पर लेस्टर की लाश मिली थी, ठीक है, और वहां पर बहुत सारे डायमंड्स दोस्तों हमें यहां पर मिले थे, ठीक है। तो लास्ट लोकेशन उसके आसपास की आ रही है, बट वो उस जगह के बारे में तो यार मुझे यहां पर पता चल गया था, तो वो वहां पर थोड़ी ना भाई ये सब कुछ करेंगे, बट हैकर गर्ल बोल रही है क्या पता अंडर वाटर माफिया को उस जगह पर लेकर जाया गया हो। वैसे दोस्तों हो भी सकता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि शायद से अंडर वाटर माफिया को उस जगह के ऊपर ही दोस्तों यहां पर लेकर जाया गया हो, बट मेरे को थोड़ा यकीन सा नहीं हो रहा है, लोकेशन तो दोस्तों यार वहीं की दिखा रहा है। एक काम कर सकता हूँ यार मैं, हम जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, शायद से वो वहीं पर हो, ठीक है, देखकर जाने में दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पर हाथे हाथ बांध रख के बैठा रहूँगा ना तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, हाथ के ऊपर अगर हाथ रख के बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करते हैं हम ना दोस्तों, वहीं पर चल दो और जाकर ना एक बार चेक करके आते हैं, क्या बोलते हैं आप सभी लोग, है ना। तो चलो यार फिलहाल मैं टैबलेट को मैंने तुम्हारे यहीं पर रख दिया, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर चेक करके आता हूँ कि कुछ मिलता है नहीं, बाकी तुम मुझे अगर कुछ भी होता है ना तो मैं सिक्योरिटी को वहाँ पर भेज देना बैकअप के लिए, ऑल राइट। तो गाइज़ फिलहाल अंडर वाटर माफिया फिलहाल अभी मेरी टीम में गाइज़ यार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलते हैं यार दोस्तों और जाकर मैं देख कर आता हूँ यार कि वहाँ पर कुछ है भी या फिर नहीं, या फिर पागल ही बनाया जा रहा है। वैसे तो गन्स वगैरह मेरे पास बहुत सारी हैं, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है,
चलो। और यहाँ पर मैंने गरीब लोगों की जो बस्ती बनाई थी गाइस, वो भी यहाँ पर काफ़ी सही चल रही है, ठीक है। चलो फिलहाल हम निकल रहे हैं उस लोकेशन के लिए दोस्तों, और जाकर चेक करने में खैर कुछ यहाँ पर होने नहीं वाला, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा तो आराम से दोस्तों मैं जाकर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मैं वैसे उस पूरी जगह पर दोस्तों घुमा हुआ हूँ, एक दो रास्ते हैं वहाँ पर, नीचे पूरा का पूरा हॉल बना हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ होगी यार वहाँ पर, और जाकर चेक कर लेते हैं। वैसे तसल्ली करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, तसल्ली भी एक बार अपनी कर ही लेनी चाहिए इंसानों को, ठीक है। चलते हैं गाइस, तो फाइनली यार मैं उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ, और ये तुम देखो यहाँ पर ये फ्रैंकलिन के घर वाला ही इलाका है ना, और दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही कॉन्सर्ट होता है, और इस जगह के आसपास ही लास्ट लोकेशन जो अंडरवाटर माफिया के फोन की थी वो यहीं की थी दोस्तों, लास्ट लोकेशन। ऑलराइट, चलो कोई नहीं, अपनी गाड़ी को तो यार यहीं बाहर ही लगा देता हूँ, ये अंदर ले जाना सही नहीं होगा, पता चल जाएगा। चलते हैं गाइस, और इस जगह पर तो मैं पहले भी आया हूँ यार, तुम्हें याद ही होगा मैं पहले भी आया था दोस्तों इस जगह के ऊपर। खैर यहाँ पर कोई हो ना, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से चलना होगा यार, कोई है तो है नहीं यार, वैसे यहाँ पर होगा भी कौन, ऐसी वीरान जगह पर आता कौन है, क्योंकि ये जगह ना दोस्तों बहुत टाइम से बंद पड़ी है, ठीक है। और इसके नीचे ही ये बंकर है इस जगह पर, वैसे वेपन्स हैं तुम्हारे भाई के पास, चलो पहले ही खुल गया। गाइस ये वही बंकर है जहां पर मैं आया था, या फिर कोई और सा है, मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात, वो बंकर ऐसा नहीं था दोस्तों। चलो शायद से मेरे दिमाग से दोस्तों निकल गया होगा, क्योंकि सामने जाते ही तो वॉशरूम वगैरह थे ना, चलकर एक बार देख लेते हैं वही लोकेशन है नहीं। वेट, ये गाइस वो जगह नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है दोस्तों, ये वो जगह बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये वो जगह नहीं है यार, वहां तो सामने ये थी, ये क्या बना हुआ है गाइस, भाई साहब ये क्या चीज है, मेरे को ऊपर चल के देखना चाहिए। अरे यार यहां पर ये किचन वगैरह कब आ गई दोस्तों, और इतने सारे वेपन्स की फोटोज वगैरह, गाइस यार ये जगह तो नहीं थी भाई, वो जहां पर मैं पहले आया था यहां पर तो बहुत सारे डायमंड्स वगैरह पड़े थे दोस्तों, शायद से भाई इन लोगों ने इस जगह को दोस्तों दोबारा से मॉडिफाइड करा दिया है। ओह माय गॉड, मुझे तो गाइस ऐसे ही लग रहा है कि इस जगह को दोबारा से मॉडिफाइड करा दिया गया है। और इधर क्या है भाई, शिट गाइस ये हैकर बेस है यहां पर, ये देखो, और हर चीज खुली है और यहां पर है कोई नहीं दोस्तों, ये देखो 101010 जो लाइन चल रही है ना, हैकर्स की होती है। और ये लैपटॉप, लैपटॉप देखा देखा सा लग रहा है, ये देखो दोस्तों, मुझे ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है यहां पर लेस्टर होगा, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दोस्तों। आराम से, आवाज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इधर क्या है गाइस, ये तो एकदम ह्यूमन लैब है, ओ माय गॉड, यही क्या चीज है दोस्तों। यहां पर तो वैसे मतलब जैसे कुछ देखने के लिए यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, बट गाइस यार मैं तुम्हें कंफर्म बता सकता हूं, मैं जिस जगह पर आया था ना दोस्तों, और जहां पर मैंने इतने सारे डायमंड्स वगैरह ये जो सारी की सारी चीजें देखी थी ना दोस्तों, वो ये लोकेशन तो खैर गाइस नहीं थी, मैं कंफर्म तुम्हें कह सकता हूं ये लोकेशन नहीं थी गाइस। और कॉमेंट करके बताओ क्या जब हमें पिछले बार जब मैं यहाँ पर आया था एक बार, तो यहाँ पर ये लोकेशन थी क्या, वो जहाँ पर मुझे इतने सारे डायमंड्स मिले थे, ये लोकेशन नहीं थी भाई, ये तो कुछ अलग ही है यार। और इधर क्या है, आराम आराम से चलता हूँ बिल्कुल,
मुझे बिल्कुल भी तेजी से नहीं चलना है। ये खुल रहा है क्या? टॉयलेट टूटा हुआ। गाइज ये लोकेशन तो भाई बिल्कुल भी नहीं थी। कोई है क्या? अरे बहुत ज्यादा गंदे हैं। ये लोकेशन नहीं थी। उसका टॉयलेट भी दोस्तों लगता है टॉयलेट भी अलग है। ये वाली लोकेशन नहीं थी यार गाइज। वो यहाँ पर गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं, कार गाड़ियों को ऑयल पड़ा है यहाँ पर अभी ताज़ा ताज़ा। वो पड़ा देखो पीछे आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा हो किसी कार का इंजन ऑयल। और यहाँ नीचे क्या है? गाइस यहाँ पर आउटफिट्स पड़ी हैं और ये मास्क भी पड़ा है, मास्क भी पड़ा है और दोस्तों आउटफिट भी पड़ी है पूरी। ये कोई मेरे को ना दोस्तों कोई बड़ा गेम लग रहा है यार इसके पीछे। इसके पीछे पक्का दोस्तों किसी बड़े बंदे का हाथ है। ये मुझे नहीं लगता है ढक्कन वक्कन बॉस की जगह है। और यहाँ अंदर दोस्तों एक रास्ता जा रहा है। वैसे मुझे दोस्तों यहाँ पर घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। एक बार यार हमें अंदर जाकर तो देखना ही होगा ना कि यार गाइज अंदर है क्या ऐसा। चलो आराम आराम से यार मैं चल रहा हूँ, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है गाइज। मतलब ये लोकेशन तो यार वो बिल्कुल भी नहीं थी जब मैं यहाँ पर पहले आया था दोस्तों। ये सब कुछ यहाँ पर कुछ नहीं था। ओह माय गॉड ये अंदर क्या चीज है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या गाइस मतलब क्या क्या है यार यहां पर? गाइस यहां पर बॉम्ब की पेटियां देखिए आप, पता नहीं भाई साहब क्या क्या है। ये बॉम्ब की पेटियां देखिए भाई साहब, वो वेपन्स की कितनी सारी हैं दोस्तों। इसके अंदर सारी गन्स वगैरह आती होंगी दोस्तों। और ये सब देखो यार, इनके अंदर बॉम्ब्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह हर चीज है गाइस। और ये लॉस सैंटोस की लोकेशन है यार, मुझे पता नहीं था लॉस सैंटोस में कहीं पर ऐसी जगह भी है। कितना सारा सामान है। और यहां पर क्या है? यहां पर दोस्तों स्नाइपर राइफल्स हैं और वही वाइट गोल्ड। गाइस मतलब कि कितना कुछ है यार यहां पर, कितनी सारी वेपन्स हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर होगा ना तो मेरा शोर ना सुन पाए, क्योंकि तुम्हारे भाई पर बंदूकें तो हैं, मैं भून डालूंगा उसे। कितनी सारी गन्स हैं दोस्तों यार यहाँ पर, सामान तो बहुत है गाइज। वहाँ ऊपर ना मेरे को किसी का पेस्ट टाइप का लग रहा है शायद से, या तो मेरे को यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रुक जाओ, इधर क्या है? ओह माय गॉड गाइस यहाँ पर कैश देखिए, कितना सारा पैसा रखा हुआ है। बट पैसे के साथ ना दोस्तों ये पता नहीं कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर सीन है। बताऊँ क्या? ये देखो तुम, यहाँ पर इतना सारा पैसा रखा हुआ है बट पैसे के साथ ना गाइस यहाँ पर ऊपर एक मशीन गन भी रखी हुई है। अब इस मशीन गन का क्या काम है दोस्तों इस पैसे के साथ, आई डोंट नो। बट भाई रखा हुआ है, जो चीज़ है भाई वो है यहाँ पर दिख रही है। एक रास्ता है ऊपर जाने का, ऊपर जाकर देखता हूँ। इतनी सारी बोरियाँ वगैरह हैं, पता नहीं भाई क्या क्या सामान तो यार यहाँ पर रखा हुआ है। चलो अपना आराम आराम से चल सकता हूँ क्या मैं? चल भाई चल। ऑफिस, शिट, ये गाइस कोई ना कोई हैकर बेस है, ये पक्का हैकर बेस है, ये 101% हैकर बेस है। पहले ना मेरे को मान तो नीचे तो लग ही रहा था कुछ ऐसा, बट गाइस ही देखिए आप सभी लोग भाई, ये लॉस सैंटोस का हर कैमरा चल रहा है इनके बिजनेस वगैरह का। ओह माय गॉड लॉस सैंटोस में इनकी सबकी लोकेशंस भाई साहब, कितना कुछ है गाइस यहाँ पर। ओह माय गॉड ये सब क्या है? ओ भाई साहब
बट गाइस यार यहाँ पर मेरा कुछ अलग ही नेगेटिव वाइब्स ही आ रही हैं। ये तो मैंने चलो देख लिया, यहाँ पर भी कोई नहीं है गाइस। इस पूरे बंकर में कोई एक बंदा नहीं मिला यार मेरे को। उधर एक लोकेशन और है, हम चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं। कोई नहीं है दोस्तों यार यहाँ पर, लिटरली कोई भी नहीं है। बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पर कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी एक इंसान भी मेरे को अब तक दोस्तों यहाँ पर नजर नहीं आया, एक भी इंसान। इस रूम में जाकर देखता हूँ यहाँ पर क्या है ऐसा। वहां पर तो मैं चला गया था, आराम आराम से चलते हैं गाइस। यहाँ पर कोई ना हो, बिल्कुल डर टाइप का लग रहा है, बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं। मेरे को थोड़ा सा डर सा लग रहा है दोस्तों, बट क्या करूं, चलो कोई नहीं चलते हैं। वेट, ये क्या चीज है, इनके सोने के लिए बना रखी है क्या जगह? इतने सारे बेड वगैरह दोस्तों यहां पर लगा रखे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों जिन लोगों को यहां पर ये लोग कैद करके रखता है ना, उन लोगों के लिए ये जगह बना रखी है। जिन लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है, पक्का उन लोगों के लिए दोस्तों ये वाली जगह बनाई गई है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, जिन लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है ना, उन लोगों के लिए दोस्तों ये वाली जगह बनाई हुई है। बट गाइज यार मेरे को ना यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ भी मतलब ऐसा जो पक्का सबूत होता है ना, वो यहाँ पर कुछ नहीं मिला। और हमें अंडर वाटर माफिया को ढूंढना है तो दोस्तों वो तो मिला ही नहीं, बट लॉस सैंटोस में एक बहुत कमाल का बंकर मिला है दोस्तों मेरे को ये। और अब ये नहीं पता भाई ये बंकर है किसका, कौन इसका मालिक है, कौन नहीं है, आई डोंट नो, बट काफ़ी खतरनाक बंकर है दोस्तों ये। चलिए फिलहाल हम चलते हैं यार बाहर। बट यहाँ पर अगर मैं कुछ छानबीन करूँ लॉकर्स में, एक बार पहले मैं देख सकता हूँ कि इन लॉकर्स में तो नहीं। यार मैंने ना यहाँ पर हर चीज़ चेक कर ली है, कुछ ही नहीं मिला मेरे को, कुछ भी नहीं मिला, लिटरली एक कील तक भी यहाँ पर मेरे को नहीं मिली है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, अब यहाँ से आराम आराम से पहले मैं निकल जाता हूँ। यहाँ पर भाई अंडर वाटर माफिया क्या, कुछ नहीं मिला यार, एक बाल नहीं मिला अंडर वाटर माफिया का। अंडर वाटर माफिया क्या मिलता, चलो कोई नहीं चलते हैं यार यहाँ से। वैसे तो कुछ नहीं है यार यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं गाइस। हरीश तूने क्या कर दिया यार, हाँ उल्टा चल रहा हूं तो गाइस बोल रहा हूं उल्टा चल। सॉरी आई एम सॉरी गाइज, यार यहाँ पर बोल रहे हैं गाइज, हाथ ऊपर करके खड़ा रहे मेरे सारे के सारे दुश्मन सामने खड़े हैं दोस्तों। लमार, लेस्टर, चाइनीज माफिया, बिग माफिया, बिग माफिया का भाई और ये डगन बॉस दोस्तों, सबके सब सामने हैं गाइज। यार शिट यार शिट, फंस गया इनके जाल में, फंस गया यार मैं तो। यार गाइस अब पता नहीं क्या करेंगे यार ये मेरे साथ दोस्तों, क्या करूं यार गाइस। माइकल द इल्यूमिनाटी तेरे चक्करों में ना यार, क्या बोलूं यार मैं गाइस, मुझे यहां पर आना ही नहीं चाहिए था यार दोस्तों, मुझे यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। शिट यार इन लोगों की, अरे हाथ ऊपर कर तो रखे हैं यार मैं। लेटा तो आपके बच्चे की जान लोगे यार माइकल द इल्यूमिनाटी की। तो गाइस यार शिट यार आज दिमाग खराब हो गया, आज मेरा गेम खेलने का ही नहीं मन कर रहा, बिल्कुल नहीं मन कर रहा आज मेरा गेम खेलने का। ये देखो मैंने हेडफोन वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर निकाल कर रख दिए, दिमाग खराब हो गया आज। जितने भी लॉस सैंटोस के डॉन है ना, सब ने घेर लिया मुझे, सब ने। और आज मैं ना दोस्तों अपने ही जाल में यहाँ पर फंस गया। मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूँगा, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया
कि जिस अंडरवाटर माफिया को तू यहाँ पर ढूंढ रहा है ना, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और हमें पता था हम कुत्ते को यहाँ पर हड्डी डालेंगे ना, वो खुद यहाँ पर चल कर आएगा। हमें पता था तो खुद यहाँ पर चल कर आएगा। तेरे पास वो जो हैकर लड़की है ना, उसको अभी तक जिंदा इसीलिए छोड़ रखा है ताकि तुझे यहाँ पर लोकेशन बताती रहे। इन लोगों ने जान पूछ के, और वो बताऊँ काम किसने किया था, लेस्टर ने जान पूछ के अंडरवाटर माफिया के फ़ोन को यहाँ पर आकर बंद किया। और इन लोगों को पता था कि मैं यहीं पर उसको ढूंढता हुआ आऊँगा, और ये मेरे यहीं पर इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। पता नहीं कहां पर छुपे हुए थे गाइस, और मैं यहां पर खुद आ गया इनके जाल में दोस्तों। मैं आकर खुद फंस गया। कर लो, क्या करोगे अब तो गाइस, अब कुछ नहीं है यार, अब कुछ नहीं है। सबके चेहरे सामने आ चुके हैं। चाइनीज माफिया भी बोला है कि यहां पर ये तो मेरे ससुर जी हैं, जो बिग माफिया दोस्तों उसका ससुर है चाइनीज माफिया का। और भाई अपने ससुर के खिलाफ कैसे दोस्तों चला जाता, समझ रहे हो तुम? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेस्टर पैसा, लमार पैसा, हर कोई दोस्तों पैसे के चक्कर में यहाँ पर था। और इन लोगों ने भाई साहब माइकल द इल्यूमिनाटी की देख रहे हो भाई साहब क्या हालत कर दी है यहाँ पर। ये बेचारा यहाँ पर लेटा हुआ है भाई, लेस्टर वगैरह भी है और चाइनीज माफिया भी, देख रहे हो कैसे देख रहा है भाई। और ये डगन बॉस कहाँ है, ये रहा दोस्तों ऊपर डगन बॉस भी, ये रहा दोस्तों ऊपर डगन बॉस भी। तो माइकल दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पर बेहोश हो चुका है। माइकल उठा नहीं जा रहा उससे, ये लोग बोल रहे हैं उठ उठ उठ, पर माइकल से उठा नहीं जा रहा क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है, लिटरली बहुत ज़्यादा मारा है माइकल द इल्यूमिनाटी को। फिलहाल माइकल दोस्तों यहाँ पर उठने के उसमें नहीं है, होश में नहीं है, बिल्कुल भी उठने के होश में नहीं है। पता नहीं दोस्तों अभी यहाँ पर क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो भाई अभी यहाँ पर पड़ा ही रहूँगा अपना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी यहाँ पर पता नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं। ये डगन बॉस लग यहाँ पर माइकल को ना दोस्तों कहीं ले जाने के लिए बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता गाइस ये माइकल द इल्यूमिनाटी को यहाँ से कहाँ पर उठाकर लेकर जाने वाला है, आई डोंट नो। मुझे फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं पता है। माइकल द इल्यूमिनाटी बेहोश पड़ा है और माइकल मेरे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। माइकल सीधा पड़ा है, उससे उठा भी नहीं जा रहा है दोस्तों, लिटरली उससे उठा भी नहीं जा रहा है। माइकल इस टाइम बिल्कुल बेहोश लेटा हुआ है। वेट ही कर सकते हैं, पता नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। आज मैं इनके जाल में दोस्तों खुद फंस गया। आज मुझे अपने ऊपर यार हंसी आ रही है कि यार मैंने खुद से ये क्या कर दिया, यार खुद से मैंने क्या कर दिया। माइकल द इल्यूमिनाटी की जान को दोस्तों खतरा है, क्या कर सकते हैं यार दोस्तों। ये बेचारा भी यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ है, मुझे नहीं पता इसको कहाँ लेकर जाने। यार बस अब यही होना बाकी रह गया था। मैंने तो हेडफोन भी निकाल कर रख दिए। माइकल को अभी होश आया है और उसे पता कहाँ पर डाल रखा है दोस्तों। मैं तो जस्ट बैठा हुआ भाई, मैं सिर्फ इनकी चीज़ें देख रहा हूँ, ये जो भी भाई मेरे साथ यहाँ पर अब कर रहे हैं। क्योंकि गलती मेरी थी, मुझे वो जो हैकर गर्ल थी ना भाई, उसके कहने में यहाँ आना ही नहीं चाहिए था यार। पहले मुझे सोचना समझना चाहिए था, क्या करूं यार दोस्तों क्या करूं। फालतू में आज भी ये हो गया, पैंथर भी सामने खड़ा है। मुझे पता है माइकल द इल्यूमिनाटी को पैंथर से मरवा देंगे आज ये लोग। यहाँ पर कौन कौन है याद रखूँगा मैं सबको, कौन कौन था। चाइनीज माफिया, डगन बॉस, बिग माफिया का छोटा भाई, बिग माफिया, लमार और लेस्टर। लेस्टर तूने मेरे साथ मतलब कितना बड़ा धोखा कर दिया ना, तू मेरा कितना अच्छा दोस्त हुआ करता था। इसने क्या किया दोस्तों, सामने माइकल द इल्यूमिनाटी बेचारा खड़ा है और बस कुछ बात नहीं, बस खड़ा हुआ देख रहा है बस अपनी मौत को दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। शायद से दोस्तों आज ऐसा भी हो सकता है कि हमारा आज लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि माइकल द इल्यूमिनाटी शायद से अब जिंदा ना रहे। मुझे नहीं लगता कि माइकल द इल्यूमिनाटी जिंदा रहेगा, क्योंकि वो पैंथर बहुत ही ज़्यादा भूखा लग रहा है मेरे को। और भाई साहब ये मुझे इतने बड़े पिंजरे में दोस्तों यहाँ पर लेकर आ गए हैं। कितना बड़ा पिंजरा है आप सब लोग यहाँ पर ये देखिए दोस्तों। यहाँ से ना ही ये पैंथर कहीं भाग सकता ना ही कुछ। और ये लोग कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब कितने खुश हैं मुझे मरवाने के लिए। ये देखो बिग माफिया का छोटा भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब वो कर रहा है कि मार मार मार। और इसकी मैंने इसके ऊपर कितना भरोसा किया था मैंने, बिग माफिया के छोटे भाई के ऊपर। इसे अपना दोस्त मानता था मैं, इवन इंडियन डॉन भी इसे अपना दोस्त मानता था, बट
ये गद्दार निकला बहुत तगड़ा यार, बहुत तगड़ा। यहाँ पर पैंथर ने इसके ऊपर माइकल द इल्यूमिनाटी के ऊपर अटैक करना दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और माइकल द इल्यूमिनाटी फिलहाल दोस्तों ये है मेरे भाई, तुझे माइकल लड़ना है, इस पैंथर को ही फाड़ दे। गाइज माइकल द इल्यूमिनाटी इस पैंथर के साथ क्या ही करेगा, पर ओ भाई साहब पैंथर बहुत गलत कर रहा है, भाई साहब बहुत गलत कर रहा है पैंथर। ओ भाई उठ पाएगा माइकल? माइकल भी उठ के पेलेगा इसको। ओ भाई साहब, ओ भाई माइकल द इल्यूमिनाटी तुझे हार नहीं माननी है, इन कुत्तों के सामने तुझे हार नहीं माननी है भाई साहब। उठ जा माइकल, उठ जा इसको पेल दे, इसको पेल के रख दे, इसके पेल के रख दे, ओ पेल दे इसे, पेल दे। ओ भाई साहब पेल दे माइकल इसे, पेल दे माइकल इसे, पेल दे। फिलहाल तो भी यही माइकल को पेल रहा है। माइकल बेचारा उठ भी पाएगा है नहीं। माइकल दोस्तों फिर भी यहाँ पर अपनी बहुत कोशिश कर रहा है दोस्तों उठने की, बट बेचारे माइकल के साथ इतना खतरनाक यहाँ पर इन लोगों ने अत्याचार करा है ना। मैं चुन चुन के बदला लूंगा दोस्तों। उठ जा माइकल, उठ जा भाई। माइकल द इल्यूमिनाटी में अभी भी बहुत वो है। और सबसे पहले ना इन्होंने मेरे गले से मेरा इल्यूमिनाटी लॉकेट निकाल लिया, तभी तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ शायद से दोस्तों मैं जिंदा ना रह पाऊँ, क्योंकि गले से इन्होंने मेरा इल्यूमिनाटी लॉकेट निकाल लिया। इनको पता चल गया था कि यार ये माइकल इल्यूमिनाटी लॉकेट की वजह से ही दोस्तों यहाँ पर जिंदा है। ओ भाई ना मेरा दोस्त कोई मेरे को बचाने आएगा, अंडरवाटर माफिया था जो बचाने आ जाता वो ही निराब। किसी भी वक्त माइकल को मार सकता है, किसी भी वक्त मर सकता है माइकल। मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, माइकल अब खुद कर रहा है जो कर रहा है दोस्तों। माइकल खुद कर रहा है अपनी जान को जो बचा रहा है बेचारा। मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो खुद उठा, ये देखो मेरे हाथ यहाँ पर है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो खुद मार रहा है दोस्तों माइकल। पर मुझे लग रहा है वो माइकल का टाइम नज़दीक ही है। ओ भाई साहब फिर भी बहुत लड़ रहा है दोस्तों माइकल इससे, पैंथर से बहुत ज़्यादा। भाई क्या मारा है इसके पैंथर के। ओ भाई ये पैंथर भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में। ओ भाई क्या फाड़ा भाई इस पैंथर ने माइकल द इल्यूमिनाटी को, देख रहे हो भाई साहब? ओ भाई साहब ये देखो, ये पैंथर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को। ओ भाई साहब गया क्या माइकल? अभी नहीं गया माइकल द इल्यूमिनाटी के अंदर भी भाई बहुत जान है। पेल इसे माइकल, पेल। ओ भाई माइकल जिंदा न मचो यार, पर ये माइकल को एकदम गिरा देता है अपने पंजों से। इसके अंदर ताकत बहुत है दोस्तों, ये देखो गिरा दिया इसने, इसके अंदर ताकत बहुत है यार दोस्तों, बहुत ताकत है दोस्तों इसके अंदर। ये भले ही जानवर पैंथर आपको जरा सा नजर आ रहा होगा, बट ताकत बहुत है इसमें भाई साहब। माइकल को नोच खाया इसने, शिट। शिट 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 मार दिया भाई। इल्यूमिनाटी लॉकेट भी छीन लिया इन्होंने तो मेरे से। अब तो इसके माइकल अब तेरी बॉडी पे कुछ नहीं बचा मेरे भाई, अब ये तुझे किसी भी वक्त खत्म कर सकता है, किसी भी वक्त खत्म कर देगा अब तुझे ये दोस्तों। माइकल को किसी भी वक्त खत्म कर सकता है, माइकल का एंड चल रहा है यार बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है माइकल का तो एंड चल रहा है दोस्तों बिल्कुल। ओ भाई साहब कहाँ मारा इसके सिर पे, ओ तेरी। ओ भाई
माइकल तुझे बचना है मेरे भाई। भाई साहब माइकल के अंदर भी दोस्तों बहुत जान है यार, ये देखो भाई। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर माइकल का हमारा बहुत अच्छा कैरेक्टर था माइकल, सब लोगों ने जान ले ली उसकी। कुछ नहीं बचा, माइकल ने खून निकल गया, माइकल का पेट फाड़ दिया इसने दोस्तों पीछे पीठ से। खत्म कर दिया माइकल को, माइकल की रूह भी ऊपर चली गई दोस्तों, खत्म माइकल दी एंड। यार तू पागल हो गया है क्या, फालतू में रो रहा है, तेरा पापा का फोन। दोस्तों यहां पर जिमी बहुत ज्यादा परेशान है, और जिमी दोस्तों यहाँ पर जो रो रहा है, जिमी के मोबाइल नंबर पर, मेरे मोबाइल नंबर पर, ट्रेवर के और सबके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोटो आई है जिसके अंदर दोस्तों माइकल जो था, माइकल डिसेंटा, माइकल द इल्यूमिनाटी जो हमारे बीच में थे दोस्तों, वो भी यहाँ पर नहीं रहे। डगन बॉस ने और बहुत सारे लोग उनके साथ मिले हुए थे, उन सब ने एक पैंथर के आगे डालकर उनको मरवा दिया। जिमी मेरे साथ ही है भाई, और जिमी इस टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा रो रहा है भाई साहब। इसको अपने पापा से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और ये खबर सुनने के बाद ना दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद जो एल रूबियो था जो कि हमारे साथ यहाँ पर रह रहा था, वो एकदम यहाँ से गायब हो गया। हमें लगा वो घर के अंदर सो रहा होगा, फिर मैंने घर के अंदर जाकर देखा वो यहाँ पर नहीं है। एल रूबियो भी दोस्तों जाकर मिल गया होगा, क्योंकि माइकल तो अब यहाँ पर रहा ही नहीं ना दोस्तों। शिट यार, क्या हो गया ये, मुझे जिमी को ना किसी सही और सुरक्षित लोकेशन पर दोस्तों यहाँ पर लेकर जाना होगा, क्योंकि अभी ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसकी जो बहन है, माइकल ने बताया था, वो तो अभी यहाँ से बाहर है, और इसकी जो मम्मी है वो पेलिटो बे में एक कोई गैरेज है, वहाँ पर इसका पापा जो है छोड़ कर आया था। जिमी चल सबसे पहले तेरी माँ के पास चलते हैं, आ जा, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ मिले, आ जा मेरे भाई आ जा। तो गाइस जिमी इस टाइम बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा। अब यार मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ ना कुछ तो देखो दोस्तों यहाँ पर करना होगा। मेरे पास इल्यूमिनाटी लॉकेट नहीं है, और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट मैं देखी जाएगी भाई, जहाँ तक जितना भी मैं जिमी का दोस्तों साथ हो सकता है, मैं उतना जिमी का दोस्तों यहाँ पर साथ दूंगा। चलिए हम निकलते हैं सबसे पहले तो यहाँ से, और जिमी की माँ को ढूंढने के लिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, भाई साहब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हो रहा है यार, माइकल द इल्यूमिनाटी के साथ ऐसा हो गया यार। हमने कभी सोचा नहीं था कि माइकल मर सकता है कभी दोस्तों, हमने कभी सपने में भी ये चीज़ नहीं सोची थी। सपने में भी बेसिकली ये चीज़ कभी हमारे आई नहीं, बेसिकली सपने तक में भी देख लो तुम, हमारे चीज़ कभी आती नहीं थी कि माइकल द इल्यूमिनाटी एक दिन दोस्तों यहाँ पर नहीं रहेगा यार। और ना ही उसका दोस्त, जो मेरा दोस्त था अंडरवाटर माफिया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और चाइनीज़ माफिया तो उन्होंने बोला था कि वो गद्दार निकला, तो कोई भी नहीं हमारी मदद करने के लिए। हमें मदद करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, वो है ट्रेवर। अरे भाई गाड़ी तो हमारे पास सिर्फ एक ही घर ही है, गाड़ी कोई नहीं है अभी फ़िलहाल इस घर पे। गाड़ी भी चोरी करनी पड़ेगी, जिमी रो रहा है यार, सबसे पहले गाड़ी चोरी करता हूँ वहाँ जाने के लिए कम से कम। अबे भाई हालत बहुत बुरी हो चुकी है गाइस, इस SUV में जा सकते हैं हम। चल भाई गाड़ी दे दो,
चोरी की गई गाड़ी में दोस्तों वहाँ पर भी जा सकते हैं। चलो कोई नहीं, मैं जिमी को बुला कर लाता हूँ। फिलहाल अभी जिमी बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। जिमी कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मी पापा सही होंगे। मम्मी तो चल तेरी सही होगी भाई। गाइस बेचारा जिमी दोस्तों बहुत ज़्यादा रो रहा है। इसके बाप के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया यार। बेचारा है तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। और गाइस मैं भी यहाँ पर फ्रैंकलिन के पास ही आ गया। जब माइकल द इल्यूमिनाटी पर आई नहीं, मैं भी वहाँ क्या करता। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या किया भाई उसके साथ, कैसे माइकल को पकड़ लिया, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइकल कहाँ गया था ऐसा, हम क्या कर सकते हैं अभी। तो दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को भगा करना, पैलिटो बे तक जाना है। और माइकल ने हमें एक बात बोली थी कि तुम अब उस वाले घर में रहने के लिए मत जाना, ये वाला जो घर है, क्योंकि ये बिग माफिया ने माइकल को गिफ्ट दिया था और शायद से यहाँ पर उन्होंने कोई हमें पकड़ वकड़ ना ले, इसीलिए माइकल ने कहा था कि इस वाले घर में मत जाना। अरे वाह, सरकार ने दोस्तों ये वाली सड़क भी यहाँ की बना दी है। ये वाली सड़क देखो, ये पहले कितनी ख़राब हुआ करती थी दोस्तों ये वाली सड़क, देख रहे हो तुम, बट अभी ये बन चुकी है। क्या बात है, आराम से। अब गाइस करें भी तो क्या करें यार, कुछ नहीं रहा अब यार। मैं भी अकेला दोस्तों क्या ही कर लूँगा, जब माइकल इल्यूमिनाटी इतनी बड़ी फौज के साथ कुछ नहीं कर पाया भाई, मैं ही अकेला अब क्या कर लूँगा यार। असल में माइकल को ना दोस्तों हमेशा और हर जगह ना दोस्तों यहाँ पर अकेले जाने का शौक था। आप सभी लोगों ने भी बहुत बार बोला था, इवन मैंने भी बहुत बार बोला था, जिमी भी बोलता था कि प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी लेकर जाया करो पापा, बट वो मानता नहीं था दोस्तों हमारी बात। अब हम भी क्या कर सकते हैं यार, जब कोई सामने वाला बात ही नहीं मानता था हमारी। चलो हम फिलहाल चलते हैं जिमी की माँ को देखने के लिए। हाँ हाँ जिमी ऐसे ही करेंगे, पर एक बार पहले तेरी मम्मी से तो मिल लें। तो गाइस फिलहाल जिमी यहाँ पर ये बोल रहा है कि फ्रैंकलिन हम, मेरी मम्मी और मैं यहाँ पर आज रात को ही लिबर्टी सिटी के लिए निकल जाएंगे, शायद तू भी हमारे साथ चलना। वैसे तो दोस्तों मेरी जान को भी यहाँ पर खतरा ही है यार, तो मैं भी लिबर्टी सिटी के लिए निकल जाऊँगा आज, इसकी मम्मी एक बार मिल जाए। अब कुछ नहीं रहा यार लॉस एंटोस में हमारा, यहीं पर माइकल अपनी वाइफ को छोड़कर गया था। चलिए आज ही मैं तेरी माँ को देखते हैं, चल के अंदर। पहले ओह माय गॉड जिमी, हौसला रख मेरे भाई, हौसला रख, कुछ नहीं हुआ। तो गाइस जिमी इधर उधर यहाँ पर देख रहा है और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर माइकल द इल्यूमिनाटी दोस्तों छोड़ कर गया होगा, लगा कर गया होगा, सब के सब मरे पड़े हैं। तो पक्का भाई यहाँ पर पता चल गया होगा, पक्का पता चल गया होगा पक्का कि उसकी वाइफ यहाँ पर है। माइकल के ऊपर दोस्तों 24 घंटे यहाँ पर जो नज़र रखी जा रही थी, पक्का माइकल के ऊपर 24 घंटे नज़र रखी जा रही थी। उसकी मम्मी यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों, उसने कहा था यहीं पर होगी, बट यहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी, सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों यहाँ पर मरे पड़े हैं। एक बार मैं ऊपर जाकर फिर भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों। शिट, इसकी माँ दोस्तों यहाँ पर है नहीं, जिमी की बेचारे की। और दोस्तों सारे के सारे जितने भी नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना, सबकी सबकी लाशें पड़ी हैं, सबके सब मारे जा चुके हैं। आज जिमी तेरी मम्मी नहीं है, पक्का वो लोग तेरी मम्मी को किडनैप करके लेकर गए हैं यहाँ से। तो दोस्तों अमांडा को भी किडनैप कर लिया गया है, जिमी की मम्मी को, और माइकल द इल्यूमिनाटी को भाई ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे दोस्तों, बहुत अच्छा इंसान था।
पर अब वो हमारे बीच में गाइस नहीं रहा। आजा जिमी। गाइस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है। जिमी की जिम्मेदारी भी भाई मेरे ऊपर ही है यहाँ पर। और आजा आजा इधर से आ, इधर से आ, आजा चला जा। तू भी बच्चा ही है यार जिमी। तो गाइस यार जिमी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है दोस्तों, ना ही मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा पैसा है, अंडरवाटर माफिया हमारी मदद कर सकता था, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है वो। लेस्टर भी नहीं, अगर जिमी हमें फ़िलहाल अभी रहना है ना, और एज अ रहना तो है ही देख, तो एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है, वो सिर्फ ट्रेवर ही है। ट्रेवर के अलावा हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बस ट्रेवर ही है जो कि अब यहाँ पर कुछ हमारी मदद वदद कर देगा। उसके अलावा कहीं तक भी नज़र दौड़ा ले कोई नहीं है। ठीक है चल आजा, चल रहे हैं आजा उसी के पास। तो चलिए दोस्तों ट्रेवर के पास ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला गाइस। दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा, मुझसे मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा आज। राइट गाइस हम यहाँ पर ट्रेवर के पास आ गए थे। ट्रेवर के पास आने के बाद जस्ट कुछ नहीं, यहीं पर उसकी वो गन फैक्ट्री है जहाँ पर वो काम करता है, और बस यहाँ पर आ गए थे दोस्तों। और जिमी वहाँ बैठा हुआ है फिलहाल अभी ट्रेवर के साथ, ट्रैवल से छुप कर आ रहा है दोस्तों। और मैंने जितने भी गैंग वाले थे ना लॉस सैंटोस के, कुछ गैंग वालों से बात करने की कोशिश करी, लाइक जैसे चाइनीज़ गैंग था, कोरियन गैंग था, कोई भी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, किसी ने भी हमारा फ़ोन नहीं पिक किया किसी ने भी। एक वाइट गैंग बॉस था जिसकी सिक्योरिटी है मरी है, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा दोस्तों, कोई भी बंदा। माइकल के मरते यार दोस्तों सब कितनी जल्दी बदल गए यार, मुझे वैसा लगता है सबके सब दोस्तों उन्हीं की तरफ हो गए होंगे, सबके सब जितने भी लोग हैं इस टाइम यहाँ पर। वो उसको चुप करा रहा है जिमी, दोस्तों बहुत ज़्यादा रो रहा है यहाँ पर बैठा हुआ। जिमी भाई चुप हो जाए यार, जो होना था वो तो हो गया, चल अब। तो गाइस यार एक यार बाप के जाने का दुख तो देखो यार हर किसी का होता है, और जब किसी का एक अच्छा परिवार था वो बिछड़ गया। छोड़ो यार हेडफोन निकालो, मेरा आज गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। बहुत ख़तरनाक सीन हो गया दोस्तों, लिटरली बहुत ख़तरनाक सीन हो गया यार। मुझसे उसकी हालत दोस्तों यहाँ पर देखी नहीं जा रही है, बेचारा जिमी दोस्तों यहाँ पर कैसे रो रहा है, बट जब तक वो अभी रोएगा नहीं तो तब तक उसके मन की दोस्तों भड़ास यहाँ पर बाहर निकलेगी नहीं यार। मैं भी क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मैंने यहाँ पर कुछ इतना हौसला वाला बना ही नहीं यार मैं माइकल की तरह, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सिर्फ आप सभी लोगों से अभी यहाँ पर ये चीज़ पूछनी है कि दोस्तों मुझे भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे मैं यहाँ पर जिमी को संभालूं, इसकी मम्मी कहाँ पर होगी, उसको उनको ढूंढना है दोस्तों, और इसकी बहन को ना किडनैप कर लिया दोस्तों। तो बहुत सारे सीन्स हैं दोस्तों भी यहाँ पर जो हमें करने हैं, ठीक है। और माइकल की बॉडी कहाँ पर है, माइकल वाकई में मर चुका है या फिर शायद से माइकल ज़िंदा होगा या फिर मर गया होगा, क्या है क्या सीन नहीं, देखते हैं दोस्तों भी यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। बट प्लीज़ आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा फील हो रही है यार ये बात, अब मैं कर भी कह सकता हूँ, मेरे तो दिमाग की नस्सी हिल गई यार बिल्कुल ही। ऐसा भी हो सकता है ये माइकल अब रहा ही ना हो, और माइकल अब तुम्हें कभी इस एपिसोड में यहाँ पर देखने के लिए भी ना मिले,
प्लीज RIP लिख देना, माइकल द इल्यूमिनाटी RIP, RIP सब लिख देना एक बार, ठीक है। चलो तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो कर दो वीडियो को लाइक दोस्तों, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। जिमी बहुत ज़्यादा रो रहा है मुझे फिलहाल, अभी उसको भी दोस्तों यहाँ पर चुप वगैरह कराना है, ठीक है। बहुत कुछ करना है भी यार, बहुत काम है, ठीक है। चलो तो कल वाले वीडियो में आपने कितने आप कॉमेंट्स वगैरह किए थे, चलिए उनको यहाँ पर रीड वगैरह कर लेते। चल मेरे भाई, अब जिमी चुप हो जा, बहुत रो लिया अब तो बेचारा दोस्तों। जिमी यहाँ पर चुप का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। क्या ही कर सकते हैं यार, हम देखा हर किसी को होता है ऐसा, फोटो देखने के बाद इसका बाप मारा पड़ा है वहां पर, पैंथर था उसे काट रखा था, ब्लडी ब्लड था। कितने ही मजबूत दिल वाले इंसान क्यों ना हो भाई, हर कोई रोने लग जाता है, समझ रहे हो ना तुम। लोग बाग ऊपर से मजबूत दिखाते अपने आप को, बट अंदर से हर कोई नरम दिल का ही होता है, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, कल वाले वीडियो में आपने कितने कमेंट्स वगैरह किए थे, आइए चलिए आपके कमेंट्स वगैरह को भी यहाँ पर जो है रीड वगैरह कर लेते हैं। तो आप सब लोगों के कमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर जो हम रीड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। माइकल को प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है भाई बना देंगे, काश माइकल जिंदा होता तो बना देते आप, बहुत बड़ा थैंक यू भाई। आरिज भाई, डायमंड कसिनो अपने नाम करा लो प्लीज़ भाई। मलिबू मेंशन परचेज कर लो भाई, गोल्फ क्लब परचेज कर लो भाई, प्रेसिडेंट के वाइट हाउस पे कब्जा कर लो प्लीज़, एंड गोल्ड माफिया से उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ले लो प्लीज़, एंड डगन बॉस और बिग माफिया और चाइनीज़ माफिया एंड प्रेसिडेंट एंड लस्टर एंड गोल्ड माफिया, इन सब से इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ले लो, फुल सपोर्ट भाई, लव यू आरिज भाई। काश अगर माइकल द इल्यूमिनाटी जिंदा होता आज ना, मैं तुम्हें सबसे पहले अपने दिल की बात बताऊँ, मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, मेरा आज गेम खेलने का मन नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था कितना तगड़ा सीन हो जाएगा। थैंक यू ईस्ट ओवेस्ट, टेक अ टेक्निकल पॉइंट इज बेस्ट, थैंक यू, यू आर वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू, लव यू, नाइस एपिसोड, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू भाई। भाई ब्लू बॉडी 787, आप आज का हाउस कहाँ है, ठीक है भाई दिखाऊंगा, थैंक यू सो मच। आज माइकल के जाने का ना लिटरली बहुत ज़्यादा दुख है यार, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा एपिसोड भी बनाएंगे। आज भाई डगन बॉस से फाइट नहीं, डायरेक्ट किल का इंतज़ार नहीं हो रहा है भाई, डायरेक्ट किल तो हम ही हो चुके हैं भाई। फ़ियाज भाई आई लव यू मेरी जान, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, लव यू टू मेरे भाई। आयुष भाई माइकल के लॉस एंटोस का प्रेसिडेंट बना दो, बना देते। आरिश भाई लव फ्रॉम गुजरात, आरिश भाई वरना कार का मॉडल लाओ और ढक्कन बॉस अपने अंडर में काम कराओ, फिर उसको मार देना। कौन कौन चाहता है कि माइकल अपनी सिक्योरिटी के साथ जाए बाहर, जेड प्लस से जेड डेंजर सिक्योरिटी, जेड प्लस करो। ढक्कन बॉस को किडनैप करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, मिस हिस बेकार, मिस बेकर को किडनैप करके डायमंड कैसीनो अपने नाम करा लो, किडनैप करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, लव यू भाई। राकेश भाई करा लेता, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों बच्चों सुन लो, जो कुछ है तो हमारा एक टेक्निकल किंग है। थैंक यू मेरे छोटे भाई, भैया आप मेरा कमेंट्स पढ़ते हो, दिल से शुक्रिया, और भैया और कामयाब हो जाए, लव यू, यू आर मेरे भैया, मेरा नाम ले लो गौसा, गौसा गौसा नाम है आपका, गौसा गौसा मेरा फेवरेट यूट्यूबर हो आप, थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरा छोटा भाई हो आप। अंडर वाटर माफी डांस इज ओपी, थैंक यू। हेलो आरिश भाई, अपने पास 200 करोड़ की गाड़ी ले लो, ठीक है भाई ले लेंगे। फाइट गेम प्ले प्लस वॉइस ओपी, थैंक यू आरिश भाई, किंग GT5। आरिश भाई फैमिली के लिए एक पर्सनल और बंकर बनाइए, ठीक है भाई,
आज इंट्रो पे लगा, थैंक यू। फ्रॉम एंटी मूवमेंट्स ओपी लगा, थैंक यू भाई। तुम फ़ोन का शोरूम परचेज कर लो, कर लेंगे आज लगा। मूवी देख ली GTA 5 एपिसोड का भाई। फॉर्चुनर लेजेंडर चलाओ करो, ब्लैक कलर की प्लीज़ परचेज कर लो, कर लेंगे। आरिज भाई बुरा मत मानना पर आपको भी चैन नहीं आया, सबके कमेंट्स को हार्ट एंड स्क्रीन पर दिखाए के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी कमेंट पढ़ रहे हो। अरे भाई बस कर रहे हूँ यार, छोड़ो। फयाज अंसारी भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो यार, आज मेरा मूड ना बिल्कुल ऑफ है। मैं तुम्हें सिम्पटम बता रहा हूँ ना, आज मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है क्योंकि एक तो माइकल द इल्यूमिनाटी है, अब हम सभी लोगों के बीच में यहाँ पर नहीं रहा, ठीक है। तुम तो मेरी आवाज़ से ही देख पा रहे हो बेसिकली क्या सब सारी चीज़ें हैं। आरिश भाई आप वो क्लाउन गैंग है ना, उसके बेस में ज़मीन देख लो, बाइकर गैंग। ठीक है भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिश भाई आप चार आँख वाला सिक्योरिटी बनाओ प्लीज़। अंडर वाटर माफिया को जल्दी से ढूंढो यार, नहीं तो उसका भी माइंड वॉश कर जाएगा बाकी सब की तरह। रुद्रनाथ भाई सॉरी टू से मेरे भाई, बट माइकल ही नहीं रहा यार, अपना माइकल ही चला गया यार। आज भाई रूबियो के पास जाके पूछो कि डगन बॉस का सारा सीक्रेट बेस कहाँ है, उस पर आप जल्दी से ढूंढो यार। रुद्रनाथ भाई मैं ज़रूर ढूंढता मेरे भाई, क्या करूं यार। भाई तुम पावरफुल वाला सिक्योरिटी बनाओ। आज भाई ने सारे डेंजर सिक्योरिटी बॉस जहां पर उसको मारने के लिए चले जाना हो, भाई अटैक कर रहा है उसके ऊपर भी अटैक ही नहीं कर रहे हो, प्लीज आरिश भाई डगन बॉस के ऊपर अब अटैक करो। अटैक उन्होंने खेल खत्म कर दिया तुम्हारे भाई का, तुम अटैक की बात कर रहे हो यार दोस्त। आरिश भाई ईद के लिए कुर्बानी का जानवर ले हो? हाँ भाई अपने सारे घर में सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। कैसे हो? कौन कौन? मेगा एपिसोड ही मेगा एपिसोड ही था गाइस। अटैक ऑन डगन बॉस विद न्यू सिक्योरिटी। माइकल द इल्यूमिनाटी के हेयर स्टाइल चेंज करो भाई, ऑल टाइम एक ही भाई, बैलेंस बताओ। ग्रेट वर्क यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। आज मेरा बहुत मुश्किल से मैं कमेंट्स भी दोस्तों रीड कर रहा हूँ आप सभी लोग भाइयों के यार, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सपोर्ट प्यार देते हो इसीलिए, वरना आज बिल्कुल भी मन नहीं है। आज भाई अपनी सारी कार्स का कलेक्शन जिस जिस बंदे का सब कुछ था दोस्तों वो ही नहीं रहा, क्या दिखाऊं यार। आज भाई आपकी एनिमेशन में तो चैनल का लिंक डाल दो, ठीक है भाई। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट सबके भाई साहब यहाँ पर कमेंट्स वगैरह रीड कर लिए हैं, सबके सब RIP लिख देना इस वाले कमेंट में इस वीडियो के। कौन कौन माइकल को मिस करेगा, किस किस के दिलों में दोस्तों यहाँ पर माइकल रहेगा, जो जो भी बातें हैं एक बार कमेंट में लिख देना। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक दोस्तों, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी यार मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से यहाँ पर लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।
खुश रहिए।